हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही अच्छा क्रीपर लेके आई हूँ, जिसको कहते हैं क्रीपिंग डेजी। फ्रेंड्स, इसके ऊपर येलो येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, जो कि बहुत छोटे से होते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है स्प्रिंट हो रहा है फ्लावर, लेकिन ये फ्लावर जो है ज़्यादा बड़ा नहीं आता, 1 इंच के आसपास का फ्लावर आता है। ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर आ रहा है, और ये भी फ्रेंड्स, नीचे भी ये इसके फ्लावर्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है प्लांट बहुत ही जल्दी अपने आप को स्प्रेड करने वाला प्लांट है। फ्रेंड्स, इसकी हर नोड से जो है नई नई रूट्स निकलती रहती हैं, अगर ये सॉइल के टच में आता है। और इस तरह से हम इस प्लांट से, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2-3 पॉट्स में लगा के रखे हुए हैं अपने प्लांट्स। और इस प्लांट को जो है, इसको मैंने जो इसकी एक स्टेम है, इसको मैंने सॉइल में लगा के रखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं सॉइल एयर लेयरिंग। और इस तरह से अब मैं इसके बाद, इसके अंदर जो है आप देखिए रूट्स डेवलप हो चुकी हैं, और इसको मैं कटिंग कर दूंगी तो एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, और इसकी एक कोई भी हम स्टेम कहीं से भी कटिंग करके लेके आते हैं, और उसको अगर हम सॉइल में ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा ये अपनी ग्रोथ लेके चलता है। और इसको हैंगिंग बास्केट्स या लैंड फिलर में, स्पेस फिलर के लिए बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। जब ये सरफेस के टच में आता है ग्राउंड सॉइल के, तो ये अपने आप ही पूरी सॉइल को कवर कर लेता है। और फ्रेंड्स, ये जो है इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन ये ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो जिस वक्त जब समर्स ज़्यादा होती हैं, टेम्परेचर अबव 30 डिग्री होता है, तब इसके ऊपर फ्लावर नहीं आते। क्योंकि अगर हम इसको समर्स में जो है ओपन सनलाइट में रख के चलेंगे, फुल सनलाइट में रख के चलेंगे, तो ये जो है प्लांट लो हो जाता है, और इसकी जो है स्टेम्स एक्टिव तो होती हैं फ्रेंड्स, स्टेम डाई नहीं करती हैं, लेकिन प्लांट जो है इसकी सारी की सारी लीव्स बर्न हो जाती हैं, क्योंकि इसकी लीव्स जो है बहुत ही डेलिकेट होती हैं। फ्रेंड्स, इसकी लीव्स भी बहुत अपने आप में सुंदर लगती हैं। जब इसके ऊपर फ्लावर नहीं होता, तब भी ये जो है प्लांट जब बुशी होता है तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मैंने एक अभी ग्रो बैग में लगा के रखा हुआ है, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी सारी सॉइल है, जिसकी वजह से जो है ये ग्रोथ अच्छी लेके चला हुआ है। और इस तरह से मैंने ये प्लांट्स अपने पॉट में लगा के रखे हुए, जिसमें मैंने थोड़ी सी सॉइल डाल के रखी थी, तो इनकी ग्रोथ कम है। तो जितना अच्छा इसको जो है सॉइल मिलेगी, उतना अच्छा ये अपनी ग्रोथ करके चलेगा। और समर्स में जो है ये प्लांट अपनी जो है फ्रेंड्स, इसकी ग्रोथ तो होती है, लेकिन ये फुल सनलाइट को नहीं टॉलरेट कर पाता, और इसको हमें शेड में रखना पड़ता है। और जब ये शेड में जाता है तो ये फ्लावरिंग नहीं करता, क्योंकि इसको, इसके फ्लावर्स को ब्लूम करने के लिए जो है फुल सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इसका जो सबसे अच्छा फ्लावरिंग पीरियड होता है आफ्टर रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रेनी सीजन के टाइम जो है जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी बनी रहती है, लेकिन जब जैसे ही रेन खत्म होती है, उसके बाद फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो फिर हमें इसको फिर दोबारा से इसको शेड में रखना पड़ता है। सो इसका जो सबसे बढ़िया जो फ्लावरिंग सीजन होता है, वो जो है विंटर्स होता है। ये नवंबर के बाद अपनी फ्लावरिंग बहुत अच्छी शुरू करता है, और उसके बाद ये मार्च अप्रैल तक अपनी फ्लावरिंग करता है, और उसके बाद जो है ये प्लांट थोड़ा लो हो जाता है। इसको अगर हम इसकी कटिंग प्रूनिंग करके अगर इसको हम शेड में रखते हैं तो फिर ये जो है एवरग्रीन बना रहता है, लेकिन इसके ऊपर कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, इस प्लांट की कोई स्पेशल ज़्यादा केयर नहीं है, बस समर्स में इसको जो है शेड में रखना, और विंटर्स में जो है इसको हम फुल सन में, लाइट में रखते हैं, तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ लेता है और ब्लूम करता है। फ्रेंड्स, ये तो थी इसकी सनलाइट वगैरह की बात, कि इसको समर्स में शेड में और विंटर्स में फुल सनलाइट में। वाटर इसको जो है, इसकी सॉइल मॉइस्ट हो चाहिए, इसको वाटर पसंद है, क्योंकि इसकी हर रूट से जो है एक हर स्टेम से, हर नोड से एक रूट निकलती है। जैसे ये इसकी सॉइल मॉइस्ट रहेगी, तो इसकी जो हर नोड है उसको अगर ग्राउंड का टच मिलेगा तो ये जो है रूटिंग करके चलेगा। और फ्रेंड्स, इस तरह से जो है इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है, ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। जब भी इसका जो है सॉइल ड्राई होने लगे, उसमें वाटर हमें दे देना चाहिए। सनलाइट फुल इसको चाहिए रेनी सीजन्स के दिनों में और विंटर्स में। फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है। जितना हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे, उतना ये बहुत अच्छा ब्लूम करके चलेगा। फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो है जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वो एफिड्स मिलीबग वगैरह अटैक करते रहते हैं, तो इसे हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुशी होकर चलता है, तो जहाँ जो चीज़ ज़्यादा बुशी होती है वहाँ पर ऐसे इंसेक्ट्स जो है अटैक करके चलते हैं। सो हमें इसको हर 15 डेज़ में चेक कर लेना चाहिए, अगर कोई मिलीबग्स या एफिड्स वगैरह हों तो उसको जो है हमें लिक्विड सोप वाटर से जो है इसको वॉश करने लेना चाहिए।
इसको रेगुलर जब तक इसके ऊपर से इंसेक्ट्स का अटैक नहीं ख़त्म होता। तो फ्रेंड्स ये था इसका इंसेक्ट्स का, वाटर भी हो गया, सनलाइट भी हो गई, फर्टिलाइज़र मैंने बता दिया, इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है और जितनी अच्छी हमें ग्रोथ चाहिए तो उस हिसाब से हमें इसको जो है वंस इन अ मंथ हम इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स समर्स में ये ब्लूम नहीं करता, तो आपको उसको सिर्फ अगर इसको स्प्रेड करना है, लैंडफिलर की तरह यूज़ करना है, तो उसको हमें शेड के नीचे रखना पड़ेगा और फिर हम इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें फ्लावरिंग वगैरह के लिए इसको चाहिए तो हमें इसको जो है ना ईयर में दो बार इसके लिए फर्टिलाइज़र सफिशिएंट है, जिस वक्त ऑटम आता है अक्टूबर के आसपास और उसके बाद जो है फरवरी के आसपास, तो ही इसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप इसको किसी पेड़ के नीचे लगा के चलते हैं, किसी स्पेस को कवर करते हैं समर्स में भी, तो इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ये अपनी और भी अच्छी, इसकी लीव्स बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, इसकी लीव्स बड़ी शाइनी सी होती है फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी लीव्स। तो अगर हम इसको शेड में रख के चलते हैं समर्स में तो इसकी लीव्स के ऊपर और भी शाइन पड़ती है, अगर सन पड़ेगा तो थोड़ा सा लीव जो है थोड़ी डल हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स वाटर हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, सनलाइट हो गया, तो इस तरह से फ्रेंड्स। और ये जो है प्लांट हम इसको हम कहीं कभी भी किसी भी स्टेम से कटिंग करके किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, जब तक इसकी जो है रूट्स ग्रोथ नहीं करती हैं तब तक इसे हमें शेड में रख लेना चाहिए। और इसका जो सबसे बेस्ट जो हमें इसको जो डेवलप करने का मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि हम इसकी किसी भी स्टेम को अगर सॉइल में अगर दबा देते हैं तो वो जो है स्टेम थोड़े दिनों के बाद उसके नोड एरिया से जो है रूट्स पकड़ लेती है। तो इस तरह से हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें अपने सराउंडिंग्स में कभी किसी हमारे फ्रेंड सर्कल या कहीं पे भी अगर हमें इस तरह का प्लांट मिलता है तो हम इसको लाके और अपने आप ही प्रोपोगेट कर सकते हैं, या इसको जो है विंटर्स के टाइम भी हमें नर्सरी में भी मिलेगा। ऐसे प्लांट्स जो समर्स में अपना ग्रोथ लेते हैं या समर्स में ब्लूम करते हैं वो समर्स में नर्सरी में ज़्यादा मिलते हैं, और विंटर्स वाले प्लांट विंटर्स में। सो फ्रेंड्स जिसका फ्लावरिंग सीज़न विंटर है इसलिए विंटर्स में नर्सरी में ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू समर्स, बहुत रेयर किसी नर्सरी में उनके पास प्रीवियस कोई स्टॉक पड़ा हुआ हो, अदरवाइज़ जो है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने जो पुराने प्लांट्स को भी हम उसको सेव कर सकते हैं, और नहीं तो हम किसी भी हमारे सराउंडिंग्स में अगर हमें ये दिखता है तो ये बहुत इजीली हमें दिखाई दे जाता है, तो हम इसकी कटिंग लेके उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अपनी इसी प्लांट की कैसे हम सॉइल में एयरलिंग करते हैं उसके ऊपर बनाऊँगी आपको। ये मेरा क्रीपिंग डेजी या येल्लो डॉट या मेंडेलिया प्लांट जो है उसके बारे में वीडियो कैसी लगे, अगर इसे अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। फ्रेंड्स ये देखिए इसमें स्पेयर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, तो इसको अगर हम बास्केट्स में टांगते हैं तब भी ये बहुत अच्छा जाता है, नीचे तक पूरा फ्लो करता है, और अगर हम उसको लैंड में करते हैं तो अभी तो ये बहुत छोटा सा है, अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है लेकिन पूरे एरिया को कवर कर लेता है। सो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।